मध्य प्रदेश के बैतूल जिला अंतर्गत आमला थाना क्षेत्र में एक विधवा भाभी को दगाबाज देवर ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी देवर और एक महिला को गिरफ्तार कर पूरी सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। बता दें, हत्या की असल वजह जमीन जायदाद से जुड़ी होना बताया गया है। पूरे घटनाक्रम को लेकर बैतूल SP सिमाला प्रसाद ने मीडिया को जानकारी देते हुए इस संबंध में जानकारी साझा की। ये 6 तारीख की घटना है। थाना आमला क्षेत्र में कन्नौजिया नाम का एक ग्राम है, जहाँ पर गोली मारकर एक महिला की निश्चल हत्या कर दी गई थी उसी के घर में घुसकर। और SDOP मुलताई के निर्देशन में जो एक टीम बनाई गई है, और आमला जिसमें TI थे और जो इनकी टीम है, इसने तत्काल इस पूरे मामले का खुलासा किया और आरोपी को 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो राउंड अप कर लिया गया है। इसमें ये निकल के आया है, जो मृतिका थी उसके पति का देहांत जो है वो 2012 में हो गया था। वो एक आर्मी में अच्छे पद पर कार्यरत थे, और उसकी डेथ के बाद जो है इनके फैमिली में काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए, जो अनुकंपा नियुक्ति को लेके भी था और उसका जो पैसा मिलना था, और उन सब चीज़ों को लेके काफ़ी परिवार में विवाद विवाद होता रहा इनके भाइयों के बीच और इस महिला के बीच में। तो अंततः जो सारा पैसा वगैरह था उसके पति का, वो महिला को ही मिला और ये कोर्ट से भी जीती। और इसमें इन सब बातों को लेके जो इसके देवर थे, उनके मन में काफ़ी द्वेष था कि हमारे भाई का जो भी देह सत्वों का जो भी भुगतान वगैरह जो भी हुआ है, उसका पैसा हमें कोई भी प्राप्त नहीं हो पाया। और जो एक अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रकरण जो चलाया जा रहा था, जो कोर्ट में अभी भी विचार में है मामला, और इन्हीं सब बातों को लेके मन में काफ़ी द्वेष था। तो इसी जो देवर है, जिसका नाम है सोनू उर्फ कृष्ण शंकर, ये भोपाल में एक ओला कैब चलाता है, और इसने यहाँ पर आमला में आकर बहुत ही सुनियोजित तरीके से पूरे घटना को अंजाम दिया। पता लगाया कि कब वो महिला अकेली है घर में, ताकि कोई रेजिस्ट करने के लिए नहीं रहे, घर में घुसा वो, और घुसते ही उसने फायर किया उस पर और तत्काल भागा। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।